नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। संसद पहुंच गया है कोरोना वायरस, ये तो लगभग तय है क्योंकि दुष्यंत सिंह राष्ट्रपति भवन जा चुके हैं, संसद पहुंच चुके हैं। कनिका कपूर जो कि लखनऊ में पार्टी में जाती हैं और उसके बाद से जिस तरह से फैलता है, लेकिन कुछ गंभीर आरोप है, उन्होंने अपनी हिस्ट्री छुपाई। किसी को भी बीमारी हो सकता है, इसमें कनिका की गलती नहीं है। कनिका से बस इतनी गलती हुई है कि उन्होंने एयरपोर्ट से वो बिना बताए निकली, जबकि वो यूके से आई थी। कनिका को कायदे से टेस्ट करवाना चाहिए था, अगर वो टेस्ट करवाती तो इन सारी मुसीबतों से बचा जा सकता था। कनिका कपूर की वजह से लखनऊ में पार्टी हुई है, कानपुर में पार्टी हुई है, और उसके बाद वहाँ से जो लोग आए हैं वो संसद भी गए हैं। दुष्यंत सिंह संसद गए हैं, राष्ट्रपति भवन गए हैं। और सोचिए कि 1 अप्रैल से NPR होगा, मतलब एक तरफ जहां चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया है कि एक तरफ जहां लगातार क्वारंटाइन कर रहे हैं लोग, घर से निकलने की मनाही है, NPR को लागू करने का काम है। आज उनका मध्य प्रदेश में सरकार का एजेंडा चल रहा है, आरक्षण खत्म, तो वो BJP अपने काम पर लगी हुई है और आपको कह रही कि ताली बजाइए थाली बजाइए, और जो कुछ बड़े लोग हैं वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही। ये तो फैक्ट है कि जो ज़्यादा अमीर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जो ट्रैवल करते हैं, जहाँ मैक्सिमम ट्रैवल है वहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर दिया है, दुष्यंत सिंह ने ट्वीट किया कि वो क्वारंटाइन पर हैं, लेकिन दुष्यंत सिंह संसद गए हैं। तो अगर सारे सांसदों का अगर चेकिंग होती है, अगर टेस्ट करवाते हैं, तो फिर उन लोगों को भी टेस्ट होना चाहिए। अभी खबरें आ रही है कि जिस तरह से लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि टेस्ट करवाना है, उनसे पूछा जा रहा है कि क्या विदेश दौरा पर गए हैं, विदेश से आए हैं, तो उनको टेस्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन बहुत लोग हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी गए हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर भी गए हैं, तो क्या उनका भी टेस्ट जारी है। इस सब मामले को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है और मुझे लगता है कि जो अथॉरिटी है उनको साफ साफ ये सब चीज़ें बतानी चाहिए कि किन को टेस्ट करवाना चाहिए, किन को टेस्ट नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गए हैं, इंटरनेशनल टूर नहीं उन्होंने किया है, डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर गए हैं, ट्रेनों से ट्रैवलिंग की है, तो बहुत कुछ साफ नहीं है। मतलब टेस्ट किट की वैलिडिटी बहुत कम है। आज एक मैं खबर पढ़ रहा था, जिस तरह से अब जाके टेस्ट किट बनाने का जो ठेका है वो दिया गया है, आपको बता दे कि वो ठेका दिया गया है एक गुजरात की कंपनी को। आज जो इंटरनेशनल रिपोर्ट है, आज की जो डेटा है कोरोना वायरस को लेकर, वो बता रहा हूँ कि पूरी दुनिया में कंफर्म जो केस हैं वो 2,22,642 केस कंफर्म हैं, जिसमें 9,115 लोग की मौत हुई है और 84,506 लोग जो हैं वो रिकवर हुए हैं, वो बचे हैं। भारत की अगर बात करें तो 173 केस कंफर्म थे, जिसमें 4 डेथ हुई है, 19 रिकॉर्ड हुए हैं, अब 5 डेथ हो गई है, और ये इस तरह के डेटा जो है लोगों के पास आ रहे हैं। तो बहुत मुश्किल वक्त में है लोग, लेकिन सरकार जो है की तैयारी बहुत मुकम्मल नहीं लग रही है और ये चिंताजनक है। और टेस्ट नहीं हो रहा है, टेस्ट के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे आपको ये बचा सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो टेस्ट को लेकर क्या खबरें आ रही हैं। अब सरकार ने जाके टेंडर जारी किया है, अब जाके ये देखिए, अहमदाबाद फार्म फर्स्ट इन इंडिया टू गेट लाइसेंस टू मेक COVID-19 टेस्टिंग किट्स। तो ये अहमदाबाद की कंपनी को टेस्ट किट बनाने का अब जाके टेंडर दिया गया है। तो सरकार के हिसाब से तैयारी जो है वो बहुत बढ़िया नहीं लग रही है, जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही है, जिस तरह से कनिका कपूर का पूरा मामला है उससे लगता है कि लापरवाही हो रही है। तो मुझे लगता है कि जो लोग भी विदेश गए हैं उनको आगे बढ़कर खुद ही टेस्ट कराना चाहिए और NPR पर रोक लगनी चाहिए, NRC पर रोक लगनी चाहिए, CA पर रोक लगनी चाहिए। तमाम मुद्दों से हटकर अभी आपको कोरोना वायरस को लेकर सचेत होना चाहिए और सबके लिए जिसको भी शंका है या जो भी थोड़ा बहुत जो सिम्टम्स फील कर रहे हैं, हमें लगता है कि उनका टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया बताइए। लेकिन ये तो है कि कोरोना वायरस कनिका कपूर के पॉजिटिव आए हैं, उनके और कुछ लोग जानने वाले के पॉजिटिव आ रहे हैं, जो लोग भी कनिका कपूर के संपर्क में आए हैं
उनका टेस्ट बहुत ज़रूरी है, और चूंकि संसद गए हैं दुष्यंत सिंह तो संसदों का भी टेस्ट बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये बहुत गंभीर खबर है और काफ़ी नाराज़ हैं लोग कन्हैया कपूर पर कि उन्होंने ये बात छुपाई क्यों। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।